हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम 5 चैप्टर नंबर 2 सम नंबर 19। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, ताकि आप भी उस वीडियो के बारे में जान सके और आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नए नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये हमारा सम है, ये देख लीजिए, ये सम नंबर 19, पेज नंबर आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं 13। अगर आपकी ओल्ड बुक है तो ये 13 पेज नंबर होगा, अगर नई बुक है तो आपका आप देख लेना आपके हिसाब से। अब ये है पॉइजन, चैप्टर का नाम है पॉइजन अति गुणोत्तर वितरण। तो देखिए, ये हमें यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर ठीक है, चलो ये क्या कहा गया है, पानादित, ये हमें कहा गया है कि टाइपिस्ट केरला 100 पानामा थी, पानादित भूलो नीचे मुझे से थे ऊपर थी पोषण वितरणनी भूलो सो दो। तो ये हमें पानादित भूलोनी संख्या और पानानी संख्या, ये दो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो मैं उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले एक्स और एफ, ये एस इट इज़ मैंने यहाँ से उतार दिया, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ कोष्टक में से उतार दिए। अब हमें क्या करना है, तो f इंटू एक्स दोनों का गुणाकार करना है, दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 0 × 42, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब 1 × 33, तो आंसर आएगा 33। 2 × 14 इज इक्वल टू 28। 3 × 6 इज इक्वल टू 18। 4 × 4 इज इक्वल टू 16। और 5 × 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा यहाँ पर 100, ये टोटल हम यहाँ इसका करेंगे तो ये भी हमारा 100 और ये भी हमारा 100 हो चुका। अब हमें क्या करना है, पी इंटू एक्स, ये दोनों का हमें यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये हमें क्या करना है, प्रॉप एक्स है, तो हमारा प्रॉप एक्स का सूत्र है ई माइनस एम इंटू एमनी एक्स घात अपॉन एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो अब ये सूत्र में हम ये वाली एक्स की कीमत अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 1/1 हमारा ये आंसर मिलते जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं अगर आपको समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर ई माइनस वन घात अगर आपको आंसर देखना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ई माइनस वन इज इक्वल टू 0.368, ठीक है। इसके बाद एन इंटू प्रॉप एक्स, तो हमें एन और प्रॉप एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 × 100 × 368, तो हमारा आंसर आया 36.8। इसी तरह 368 ये भी सेम ही आएगा, और 0.184 तो हमारा आंसर आएगा 18.4। 0.061 × तो हमारा आएगा 6.1। इसी तरह 0.0003 का आंसर आएगा 0.4। देखिए, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगर हमें इसको देखना है तो हम इसे सम में देख लेते हैं कि क्या हमारा सही में आंसर आ चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर आंसर 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 और 0.4। तो देखिए, 36.8, 36.8, 18.4, 6.1, 1.5 और 0.4, ये हमारा दोस्तों लास्ट में आंसर आ चुका है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो था ये आज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट था वीडियो आपके लिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें, शेयर करें और
नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।